ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से शनिवार को मुलुंड में महिलाओं के लिए विशेष सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुलुंड में शनिवार को ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं एवं समाज के लिए कार्य करने वाले महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और इसी तरीके से समाज कार्य करने वाले महिलाओं का आभार भी व्यक्त किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी जो संस्था है वो स्त्री शक्ति का प्रतीक है, इसलिए ही पिछले 18-20 साल से हम अवार्ड देते आ रहे हैं। और उस समय जब इतनी जागरूकता नहीं थी, तब हमने बहुत विरोध के बावजूद इस काम को किया और आज भी हमारी संस्था को 25 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी ये परंपरा चालू है। और आज मेरे साथ मेरी कमेटी की बहनें, उनकी वजह से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि एक अकेला इंसान कुछ कर नहीं सकता। अगर किसी संस्था को चलाना है तो उसके कार्यकर्ता का भी उतना ही सहयोग है। अभी तक मेरे साथ बहुत लोगों ने खूब साथ दिया और खास मुझे ये बताना है कि इस सारे कार्यक्रम को सफल बनाने में, खास करके आज का कार्यक्रम सफल बनाने में, मेरी वाइस प्रेसिडेंट भावना बेन वेदांत, मेरे साथ माला बेन उपाध्याय, पयुबेन त्रिवेदी, किन्नरी और शिवानी बेन मेहता, इन सबों का बहुत ज़्यादा हमारे साथ सहकार रहा है और इनके बगैर ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता। और मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं एक स्त्री की जो शक्ति है उसको उजागर कर रही हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम भावना वेदांत है और मैं निशा बेन के साथ लास्ट 25 साल से काम कर रहे हैं। और निशा बेन का काम ही ऐसा है कि हम लोग को हाउसवाइफ होते हुए भी इतनी खुशी मिली है काम करते करते। और आज का जो प्रोग्राम है, 18 साल से वो कर रहे, अलग अलग फील्ड में अवार्ड दे रहे हैं और हम लोग उसमें ऐसा नहीं है, जो डिजर्व करता है उसको ही हम लोग अवार्ड देते हैं।